हम हैं बिहार के बाशिंदे, हम हैं बिहार के बाशिंदे, गा गा कर तुझे जगाएंगे, तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे, तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे। बिहार राज्य में आवे वाला बरखा के समय में जल जीवन हरियाली अभियान के जरिए 2,51,00,000 पौधा के रोपाई होखी, जेकरा में वन विभाग के अलावे जीविका के दीदी लोग ग्रामीण विकास विभाग के साथे कई गो संस्थान के इमे भागीदारी होखी। अब तक हमनी के पौधा रोपे खातिर गढ़ा बनौला के विधि के बारे में बतियौनी है, अब सही तरीका से पौधा कैसे लगावल जाओ एकरा बारे में आगे चर्चा होखी। पौधा लगावे के काम नीमन बरखा भइला के बाद कइल जाला, ओकरा खातिर पहले से खोनल गढ़ा में पौधा रोपल जाला। गढ़ा के भरे खातिर गढ़ा के ऊपर जौन माटी धइल बा ओकरा के नीमन से थूर के भुरभुरा कर देवे के चाही। जरूरत के हिसाब से ओकरा में बालू मिलावे के पड़ी, यदि दोमट माटी होखे तो ओकरा में बालू के मिलावला के जरूरत नहीं खे। मान ली कि दोमट माटी नहीं खे तो ओकरा में दोमट माटी बनावे खातिर पियर बालू मिला देवे के चाही। एकरा बाद कंपोस्ट चाहे वर्मी कंपोस्ट या गोबर के सरल खाद ई कुल ही बराबर बराबर मात्रा में माटी के साथ मिला दिहल जाला। ओह मिलल माटी में गमकसिन पाउडर मिलावल जाला जकरा से फफूंदी ना लगी। गढ़ा में पौधा डालला से पहले ई ध्यान देहला के जरूरत बा कि ट्यूब के ऊपरी भाग और जमीन के सतह बराबर होखे के चाही। जरूरत होखे त गढ़ा के पहले ही से माटी से भर ली, फिर ट्यूब डाली। थैली में उगावल पौधा के उठा के बाएं हाथ पर धली, फिर पॉलिथीन के ब्लेड चाहे तेज चाकू के मदद से काट ली आ सावधानी से चिमकी के निकाल ली। अब जवन ट्यूब प्लांट बा ओकरा के धीरे से पकड़ के गढ़ा में डाल दिहल जाला। एह तरीका से ट्यूब के बीच में रह के किनारे से मिलावट माटी के धीरे धीरे डाल दिहल जाला आ ट्यूब के सतह के बाहरा जहाँ माटी भरे के जगह बा ओकरा के धीरे धीरे हाथ से दबा देवे के चाही। ई भइला के बाद ढेर बरखा वाला मौसम बा तब माटी के जड़ में ऊंचा कर दी, सामान्य बरखा होखे तब माटी के सतह के बराबर कर दी, अगर कम बरखा होखे तब माटी के फैला के जड़ तर खाल कर दी जकरा से थाला बन जाए ताकि तनको बरखा होखे या पटवन के पानी ओकरा में जमा हो जाओ। अभी एक पौधा रोपला के काम हो गई छोटन गढ़ा में, अब बड़का गढ़ा में रउआ सब पौधा के रोपला में हमनी के सहयोग करी। देखत नी हई पौधा के थैली बड़ बा आ पौधो बड़ बा, हमनी के ऊंचाई से भी लमहर, मोटा मोटी 6 फीट के ई पौधा बा। थैली के लेके पौधा के रोपला खातिर ई बढ़न जन गढ़ा बा ई कुल ही 1.5 फीट गहिर बा, 1.5 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट। अब हमनी के देखे के चाही कि थैली के ऊंचाई कितना बा, लगभग 1.25 फीट के आसपास बा, 14 इंची बा आ एकरा के हमनी के 18 इंची खोलने बानी है। एकर मतलब बाकी यह हिसाब से गढ़ा में 5 इंच माटी हमनी के पहले भर देवे के चाही। अब एकरा बाद अपना हाथ में रुआ सब ब्लेड ली, एक हल्का चीरा लगाई पॉलिथीन में, ऐसा ना कि जेड़ कट जाओ, हाँ एक बार दूसरों तरफ से चीरी दोसर का ओर से, अब पॉलिथीन के पकड़ के हटा दी। अब ई दो आदमी मिलके ई पौधा के गढ़ा में डाली, देख ली पौधा बीच में बाकी ना, गढ़ा के ठीक बीचों बीच में पौधा होखे के चाही, सीधा करी पौधा के, हाँ झुकल ना रहे। अब चारों ओर से पौधा के नीचे से माटी से भर दी, भरी हाँ, और ये दोसरका ओर से दबाई जेने से सीधा करे के बाद, हाँ
एह तरीका से पौधा रोपा गई जौन बड़ा आकार के पॉलिथीन में रहल है। अब एक पौधा में 3 से 4 लीटर पानी डाल दिया जाई। एह तरीका से पौधा रोपे में जौन जरूरी बात बा उबा पौधा रोपला के काम पहला बरखा के बाद कई जाला। पौधा रोपे खातिर जौन माटी रखल बा ओकरा में पियर बालू मिलावल जाला। एकरा बाद बर्मी कंपोस्ट आ गोबर के खाद मिलावे के चाही। ओकरा में गमक्सिन पाउडर मिलावल जाला जेकरा से फफूद कम से कम लागो। ट्यूब के ऊपर के सतह जमीन के बराबर होखे के चाही। थैली में उगावल पौधा के बाएं हाथ में धो के ब्लेड चाहे चाकू से काट के निकाले के चाही। ट्यूब से बाहर जौन गढ़ा के जगह बा वही में से पौधा लगा के माटी भर के धीरे धीरे दबा देवे के चाही। ध्यान दी, कोरोना संक्रमण से बचे खातिर मास्क लगाई, आपस में दूरी बनौले रखी, समय समय पर हाथ के साबुन से धोई।